आज के इस मिर्च महोत्सव में मैं सभी किसान भाइयों को मुरलीधर अय्यर वरिष्ठ सस्यविद के पद पर जैन इरिगेशन सिस्टम्स लिमिटेड के स्टॉल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जैन इरिगेशन सिस्टम्स टपक फव्वारा सिंचाई के साथ साथ जैव प्रौद्योगिकी में भी अपना एक वर्चस्व प्राप्त करने में पूरी प्रयत्नशील है। और सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि इस मिर्च महोत्सव में हमने अभी एक हमारा जैन हाईटेक नर्सरी जलगांव में शुरू किया है, जिसके माध्यम से हमने अभी ये पंतनगर वन जो मिर्च की जो प्रजाति है इसकी सीडलिंग तैयार की है। और ये जो सीडलिंग है इसको अगर हम समन्वित कीट एवं व्याधि प्रबंधन, जल प्रबंधन ड्रिप सिंचाई के साथ, जल विलय खाद के साथ और ऊंची उठी क्यारी पद्धति से अगर हम इसको 4x1.5 पर लगाते हैं, जो कि 7,500 प्रति एकड़ के पौधे आते हैं, तो निश्चित रूप से हम मिर्च में आने वाली समस्याओं को आने वाले समय में दूर कर सकते हैं। मिर्च का जो सीडलिंग है या जो पौध है ये 1 रुपये प्रति पौधा पड़ता है, ट्रांसपोर्टेशन अलग है, किसान भाइयों को इसकी बुकिंग कराना होगी और हम कोशिश करेंगे कि किसानों को इसके पौधे उपलब्ध कराए जाएं। किसान भाई, हमारा जैन इरिगेशन का टिशू कल्चर केला जो कि ग्रैंड नेन नाम की प्रजाति से है, ये टिशू कल्चर केला 11 महीने में पहला उत्पादन देता है, 10वें महीने में दूसरा उत्पादन देता है, जिसको कि 6x5 की दूरी पर लगाया जाता है। 6x5 की दूरी में 1452 पौधे प्रति एकड़ के हिसाब से आते हैं और ये पौधे किसान को उनके घर पर 16 रुपये प्रति पौधे का पड़ता है। किसान भाई, हमारे एक केले का जो प्रति पौधे का उत्पादन है वो 25 किलो है, इसको हम टपक या बूंद बूंद सिंचाई से लगाते हैं और प्रति चौथे दिन 1000 पौधों पर जल विलय खादों का उपयोग करते हैं। अगर इस तरीके से अगर किसान करेगा तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि हम केले का उत्पादन किसान 25 किलो से लेकर के 40 किलो प्रति पौधे तक जा सकता है। आज आपको ये जानकर खुशी होगी कि हमारे निमाड़ अंचल के धार जिले के 7 तलई में हमारे कुछ किसान इसका एक्सपोर्ट क्वालिटी केला पैदा कर रहे हैं और ईरान से जो एक्सपोर्टर हैं वो आकर के उनके केले का उत्पादन लेकर के जा रहे हैं। अब हम आते हैं किसान भाई हमारे टिशू कल्चर अनार की ओर। हम लोग टिशू कल्चर अनार भी लगाते हैं, जो कि टिशू कल्चर सुपर भगवा के नाम से टिशू कल्चर अनार जलगांव में हम इसको 90 से 101 दिन का पौधा बनाकर बेचते हैं। टिशू कल्चर अनार मुरुम जमीन जिसमें 3 फीट तक का गहराई हो उसमें हम इसे जैन टपक सिंचाई और उसकी जल विलय खादों के साथ हम टिशू कल्चर अनार पैदा किया। जैसे केले में जो वायरस बीमारी नहीं आती है, उसी प्रकार टिशू कल्चर अनार में जो विषाणु रोग आता है वो भी हम इसको आने नहीं देते। किसान भाई, अब हम जाते हैं हमारे आम के ऊपर। ये हमारा आम है, ये है तोतापरी आम। ये आम आज मध्य प्रदेश शासन के सौजन्य से बैतूल, हरदा और होशंगाबाद जिले में हमने करीब करीब आज होशंगाबाद में 27,960 पौधों में 76 एकड़ में अपना टपक सिंचाई लगा दी। उसी प्रकार बैतूल जिले में आज हमने 20,000 पौधे लगा दिए और हमारे जो हरदा जिले में हमने करीब 15,000 पौधे तो तोतापरी आम के लगाए। किसान भाई, हमारा गठबंधन कोको कोला कंपनी से है, उन्नति प्रोजेक्ट के नाम से, जो कि किसानों से 3 से 4 साल के बाद इसका पल्प खरीदेगा उनके माजा के लिए। किसान भाई, हम चाहते हैं उसका रेट पड़ेगा एक पौधे का 50 रुपये और टपक सिंचाई जो है उसकी कॉस्टिंग आएगी 30,000 रुपये प्रति एकड़। खरीदे का अभी हमारा गठबंधन चल रहा है, क्योंकि वो जो है कोको कोला कंपनी ने उसका कागज बना लिया है और बहुत जल्दी वो गठबंधन का जो पत्र है कि किस भाव में वो खरीदेगी वो अतिशीघ्र किसानों को दे दिया जाएगा। अभी हम आते हैं हमारी जो जैन इरिगेशन का जो आप देख रहे हैं मौसम्बी, ये जैन की मौसम्बी है, ये 1.5 साल की मौसम्बी है और ये टिशू कल्चर से तैयार किया गया। इसमें हमारी 5 प्रजातियां हैं, जैन 1, जैन 2, जैन 3, जैन 4, जैन 5। ये जलगांव में 12 वर्ष का हमारा अनुसंधान है, जो कि ब्राज़ील से हमने 2 रूट स्टॉक लाए, क्लियोपेट्रा और वल्केनो मेरिनो। हमारा जो यहाँ का रूट स्टॉक है वो है हमारा रंगपुर सीडलेस और इसमें सिर्फ 1 या 2 बीज आते हैं, जो खट्टा मिट्टा जूस है और नॉर्मल जो मौसम भी है वो थोड़ी देर के बाद कड़वी हो जाती है, क्योंकि हमने इसमें जो लिमोनिन कंटेंट है उसको पूरी तौर से निकाल दिया है। किसान भाई, हम आपको बता दें कि जैन इरिगेशन जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से किसानों की आय को भविष्य में दुगना करेगी और टपक सिंचाई, जल विलय खाद के द्वारा हम उत्पादन को बढ़ाने में सहायक होंगे। मौसम्बी का जो पौधा है वो 180 रुपये प्लस ट्रांसपोर्टेशन है, लेकिन अभी वर्तमान में
मार्च 2021 में हम पौधे दे पाएंगे, क्योंकि तब तक के लिए हमारे पौधे इस समय बुकिंग है। लेकिन जो किसान अभी लगाना चाहेगा वो मार्च की बुकिंग के बाद हम उन्हें जो है पौधे उपलब्ध कराएंगे। लेकिन इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि हम जो मौसम्बी का पौधा बना रहे हैं ये 3 साल में किसान को 3 से 4 टन का उत्पादन देगा। ये 4x3 मीटर पर लगाते हैं, 333 पौधे आते हैं।